तो बच्चों आज जो हम करेंगे नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ओके, ये यूनिट नंबर 4 है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन, उसका ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ओके, तो इसमें दो डिवाइस पढ़ेंगे हम, एंड वो हैं आपके ये ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड वन इज़ एसी जनरेटर। ठीक है, सो ये जैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो वहाँ आते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो शुरू करते हैं, और फर्स्ट डिवाइस जो है आपका वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर सिंपली, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो आपको पता ही है, वो ऑल्टरनेटिंग नेचर है उसका, यू नो दिस। ये वाली सप्लाई आती है घरों में ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। सो दिस इज़ वोल्टेज और करंट जो, ठीक है, टाइम के साथ वो ऐसे साइन कर्व होता है इसका। ठीक है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो इसकी वर्चुअल वैल्यू है वो होती है 220 वोल्ट। ठीक है, कभी इसको स्टेप अप करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कहीं मान लो 440 वोल्ट चाहिए, तो फिर इसको इंक्रीज़ कैसे करें? 220 वोल्ट है, इसको 440 कैसे करें? कभी इसको जैसे 220 वोल्ट से आपको करना है मान लो 10 वोल्ट। ठीक है, तो कैसे करें? 220 से कहाँ लाना है, 10 पे लाना है। ये करेगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इसको स्टेप अप भी करेगा, 220 से 440 पे ले जाएगा, या मतलब ज़्यादा वैल्यू पे ले जाएगा। 220 आ रही है, वर्चुअल वैल्यू उसकी 220 है, जो एसी वोल्टेज है उसको बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। जैसे मान लो ये कर दिया, इतना इंक्रीज़ करना है, तो कौन करेगा? ट्रांसफार्मर। तो यदि ये इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएगा तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यदि आपको 220 से कम चाहिए तो फिर ये डाउन होगी वोल्टेज, तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन। ठीक है, तो बेसिकली ये एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है। कौन? ट्रांसफार्मर। सो ये कन्वर्ट करता है किसको? लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ओके, सो इट कन्वर्ट्स, क्या बोला मैंने, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लो अल्टरनेटिंग इधर वाला जो है, सॉरी इधर वाला, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाँ, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी तो किस में कन्वर्ट करेगा? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, हाई एसी वोल्टेज। ओके, और ये रखना ध्यान, यहाँ बताऊँगा मैं अभी बाद में, कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी तो ये हाई करंट पे होगी, एट हाई करंट, ये रखें ध्यान। ठीक है, और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी तो वो होगी एट लो करंट। तो ये करेगा ट्रांसफार्मर, क्या करेगा बताओ? ये कन्वर्ट करेगा लो, ये कन्वर्ट करता है इसको। ठीक है, कन्वर्ट्स किसको करता है? कन्वर्ट होता है ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, ये देखो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में करेगा? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, हाई को लो में भी कर सकता है। हाई को लो में करेगा वो स्टेप डाउन, जो लो को हाई में करेगा वो स्टेप अप। लेकिन बस एक ध्यान रखें कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी तो वो एट हाई करंट होगी, बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बेसिकली कि सेम पावर ट्रांसफर। वोल्टेज क्या होती है? पावर क्या होती है? पावर ट्रांसफर, पावर होती है वी इंटू आई। ठीक है, इसमें पी जो है बेसिकली ट्रांसफार्मर के केस में, फॉर सेम पावर ट्रांसफर पी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। पी यदि कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका मतलब वी आई कॉन्स्टेंट हो गया, बिकॉज पी वी आई होता है, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? करंट। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट क्या होगा? कम होगा, यही लिखा है। वोल्टेज बढ़ेगी एट हाई एसी वोल्टेज होगी, हाई एसी वोल्टेज होगी तो करंट क्या होगा? कम होगा। लो होगी तो करंट क्या होगा? हाई होगा। ये तो इसमें ओम्स लॉ नहीं लगा देना कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, नो नो नो। फॉर सेम पावर ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, वी आई का जो प्रोडक्ट है, पावर क्या होता है? वी आई होती है, तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इज ट्रांसफॉर्मर नाउ इट कन्वर्ट्स, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इन टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। यदि इधर से इधर हुआ तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इधर से इधर हुआ तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो है कि इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल इसका सिंपली, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा है, उसमें कितनी कॉइल्स होती हैं, टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल। सो जब प्राइमरी कॉइल में क्या चेंज होगा, व्हेनेवर करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, तो वो इसका प्रिंसिपल है, सिंपली म्यूचुअल इंडक्शन। जब एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो दूसरी में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसमें क्या चेंज होगा, आई, इसमें आई चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। पढ़ा है आपने ये, ठीक है, सिंपल, इसमें नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ा है सारा कुछ। और फिर आएगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में इसकी क्या होता है, सो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली इसमें एक लैमिनेटर सॉफ्ट आयरन कोर होता है। अब लैमिनेटर सॉफ्ट आयरन कोर क्या चीज़ है, ये लैमिनेटर सॉफ्ट आयरन कोर जो है बेसिकली ये सॉलिड कोर नहीं होता है। एक सॉलिड कोर को शीट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर उनको वार्निश किया जाता है, फिर उनको आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, फिर ज्वाइन किया जाता है उनको। इससे क्या होता है, जो एनर्जी लॉसेज होते हैं ड्यू टू एडी करंट्स, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सो लैमिनेटर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक प्राइमरी कॉइल को बॉन्ड करेंगे और एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन सी कॉइल बॉन्ड करेंगे, सेकेंडरी कॉइल, इसको पी बोल देंगे, इसको एस बोल देंगे, ठीक है। सो जो इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। यदि इंक्रीज करेंगे तो स्टेप अप बन गया, और डिक्रीज करेंगे तो क्या बन गया, स्टेप डाउन। तो इनपुट एसी वोल्टेज आपने कौन सी कॉइल में फेड करनी है, कौन सी कॉइल में देनी है, प्राइमरी कॉइल में, और आउटपुट ट्रांसफॉर्म्ड वोल्टेज कौन सी कॉइल में मिलेगी, सेकेंडरी कॉइल में मिलेगी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सो यहाँ से जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा बताऊँ कि ये है, देखिए नोट्स में लिखा है मैं, ये वाला, सो यहाँ से ये देखिए, सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ये अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। सो ये आ गया, सो इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्या बताई थी मैंने, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी तो कैसे करंट पे होगी, हाई करंट पे। इन टू मीन्स किस में बदलेगा है, इस लो वोल्टेज को बदलेगा हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, लेकिन हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगी, कम करंट पे होगी, एट लो करंट, लगा पता। उसके आगे है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल अभी बता दिए, डिवीजन प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन। जब एक कॉइल में करंट क्या होता है, चेंज होता है, तो दूसरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही है। अब मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन में ये होता है इसका, देखिए ध्यान से, ये है आपका ट्रांसफार्मर, ये है वो लैमिनेटेड कोर, देखिए पूरा सॉलिड कोर नहीं है, दिख रहा है आपको, दो शीटें दिख रही हैं ऐसे, यहाँ दो ही दिखाई गई हैं ये, तो एक एक शीट फिर दूसरी के ऊपर इसको, दूसरी के साथ इसको ज्वाइन करते हैं, और फिर ये बन गया लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। सो व्हाट इज दिस, ये सारा का सारा क्या है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर इस लेफ्ट साइड में कौन सी कॉइल लपेटी हुई है, देखो कौन सी कॉइल बाउंड करी है, प्राइमरी, ठीक है। और मैंने बताया था कि प्राइमरी कॉइल में देनी है वो इनपुट एसी वोल्टेज जो घरों में आ रही है, उसकी वर्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 220 वोल्ट, यहाँ दे देंगे। अब ये टर्न्स का ही कमाल है, यहाँ देखो ये सेकेंडरी कॉइल है, ये दूसरे लेफ्ट राइट साइड को देखो, ये कौन सी कॉइल अभी लपेटी हुई, यहाँ पे कौन सी कॉइल बॉन्ड करी है, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है लोड रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा, ये ई एस लिखा है, ई एस, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज आएगी उसको बोल देंगे आउटपुट ए सी वोल्टेज, ठीक है। सो सिंपली इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, बोलिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड में प्राइमरी कॉइल इज बाउंड, इट इज सेड इज बी, और उसके राइट साइड में कौन सी कॉइल बाउंड है, सेकेंडरी कॉइल बाउंड है, ठीक है। इनपुट एसी वोल्टेज इज गिवन इन विच कॉइल, प्राइमरी कॉइल, एंड आउटपुट ट्रांसफॉर्म्ड वोल्टेज इज ऑब्टेंड अक्रॉस विच कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, लगा पता। सो ये आ गया, तो ये कौन सा कोर था, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, और वर्किंग में ध्यान से सुनेंगे, वर्किंग म्यूचुअल इंडक्शन पे ये सिंपल। सो वर्किंग में आप यहाँ पे ध्यान से सुनते चलेंगे, ये
सो वर्किंग में जैसे आपकी चेंजिंग वोल्टेज, बिकॉज ये चेंजिंग वोल्टेज है, ये ऐसे है आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव। सो जब चेंज इन करंट होगा प्राइमरी कॉइल में, तो इसमें सिंगल कॉइल का अपना क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है सिंगल कॉइल की। सो जब इसमें क्या होगा, एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस, देन ड्यू टू इट्स सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड एमएमएफ प्रोड्यूस्ड इन इट। व्हाट, सेकेंडरी कॉइल इसके क्लोज है, करंट के चेंज होने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल चेंजेस, बिकॉज दिस कॉइल इज वेरी क्लोज टू दिस कॉइल पी, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेस, एंड ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, दीज टू कॉइल्स आपस में इलेक्ट्रिकली ये कनेक्ट नहीं है, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये देखिए दिख रही है यहाँ पे, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ओके, फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है आपस में ही। सो यही था इसमें, व्हेन चेंजिंग करंट विल फ्लो इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और यू कैन सिंपली ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन इट, एंड इंड्यूस्ड में आल्सो प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। और ऐसे नहीं करना है, ऐसे बोल दो, व्हेन दिस चेंजिंग करंट विल फ्लो इन दिस कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी एंड हैंस विद सेकेंडरी कॉइल चेंजेस, and due to that change in magnetic flux in secondary coil induced and produced in secondary coil, okay, so ये था आपका, ठीक है। अब इसकी है थ्योरी, तो यहाँ थ्योरी ध्यान से सुनेंगे, थ्योरी कैसे करनी है इसकी, वर्किंग आ गई, थ्योरी में आपने ये लिखना है सिंपल की, ध्यान से सुनेंगे आपको कि मैंने दो तरह के ट्रांसफॉर्मर बताए आपको, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप, स्टेप अप में सिंपल मैंने बताया कि आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, और जो आपका दूसरा है स्टेप डाउन, उसमें आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगी, ऐसे होता है ना, सो थ्योरी में बताने जा रहा हूँ आपको। थ्योरी में इसमें आपने सिंपल है कि स्टेप अप में बता रहा था कि वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगी, और स्टेप डाउन में आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगी, कम मिलेगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होगी, यहाँ तक। तो स्टेप डाउन में क्या है, ये देखो, ये कौन सा बनाया है, सामने दिख रहा है प्राइमरी में टर्न ज़्यादा दिख रही है, सेकेंडरी में कम है, तो स्टेप डाउन है, टर्न्स का ही कमाल है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यदि टर्न्स को एन बोल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसमें लेस होंगी एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और स्टेप अप में क्या होगा, हाँ स्टेप अप में क्या होगा, सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा होंगी किससे, प्राइमरी से, ठीक है। सो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा और स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स कम, ओके, सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है, इसमें सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होंगी और इसमें कम होंगी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये ऊपर बनाया गया है, ये स्टेप डाउन है, ठीक है, वोल्टेज को ये 220 वोल्ट से कम पे ले आएगा। सो थ्योरी में आप फटाफट यहाँ लिख देंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एन पी है सपोज, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एन एस है, ठीक है। फिर इसमें आपको पता ही कि फैराडे लॉ लगेगा, फैराडे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, तो फैराडे लॉ क्या बोलता है, ई इज इक्वल टू माइनस, हाँ बोलिए, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की बात कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में जो प्रोड्यूस होगा, डी फाई अपॉन डी टी, किसी टाइम पे दिस डी फाई अपॉन डी टी सिंपली टाइम रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग करंट है तो चेंजिंग करंट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो अंडर आइडियल कंडीशंस, ठीक है, आइडियल कंडीशंस में क्या होने वाला है, आइडियल कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस में क्या होने वाला है कि जो किसी टाइम पे वोल्टेज होगी यहाँ प्राइमरी में वो ई पी है, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल ई पी That must be equal to instantaneous induced EMF जो produce हुआ primary में, और वो कितना है, E है, ठीक है। So under ideal conditions instantaneous voltage जो होगी primary coil में, जो applied voltage है, that will be equal to instantaneous induced EMF produced in primary coil. So you can say EP is equal to कितना आ जाएगा यहाँ से, minus E की वैल्यू कर दीजिए ऊपर से, माइनस एन पी, आगे क्या बोलो, डी फाइव अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर वन बोल दो।
यदि मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हुआ, इफ देर इज नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना प्राइमरी से लिंक्ड था वो अनराइडल कंडीशन उतना ही वो सेकेंडरी से लिंक हो गया और वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस होगी इंस्टेंटेनियस दैट विल बी इक्वल टू सेकेंडरी में टर्न्स कितनी है एन एस है, जो एन एस टी फाइव कॉन्वर्ट हो जाए टी टी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पर लिखना इफ देर इज नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ देर इज नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन, आइडियल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, देन जो सेकेंडरी कॉइल में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस एन एस डी फाइव ऑन डी टी, और ये इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी, ठीक है। सो ये सो यहाँ से फिर इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके। सो इक्वेशन वन और टू को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास डिवाइडिंग वन बाई टू, डिवाइडिंग वन बाई टू, टू अभी लिखी थी हमने, सो ये आ जाएगा जब एक को दूसरे डिवाइड करेंगे तो ई डिवाइडिंग टू बाई वन कर लो, टू बाई वन दिस वाज टू ई एस अपॉन दिस वाज वन ई पी इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन एस अपॉन एन पी बचेगा, यहाँ पे डी फाइव अपॉन डी टी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये रिलेशन ही आपने भूलनी है ये, और ये जो आप एन एस अपॉन एन पी है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसको बोलते हैं टर्न रेशियो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। सो उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये जो सामने लिखी जा रही है ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वाला पेज आइए, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया सारा, वर्किंग ही मैंने आपको बता दी, ये बता रहा था मैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आ गई, सेकेंडरी कॉइल आ गई, डी फाइव पॉइंट डी टी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। सो अंडर आइडियल कंडीशन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगी प्राइमरी कॉइल में दैट विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो प्रोड्यूस हुआ जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी कॉइल में वही हो जाएगा, ठीक है। सो इफ देर इज नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बता रहा था मैं, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगी, यस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस लिख देना यहाँ पे, देन इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ क्या डिवाइडिंग में बोल रहा था अभी, ये जो अभी हमने लिखा है एन एस पॉन एन पी, डिवाइड कर दिया इक्वेशन टू को वन से, इसको के बोलते हैं, के दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और क्या बताया मैंने टर्न रेशियो, ठीक है। सो यह आ जाएगा आपका टर्न रेशियो आ गया यहाँ से, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर क्या बोला था, इसको थ्री बोला था, ठीक है। सो फिर इक्वेशन नंबर आगे जो है बात करेंगे कि सपोज करिए जो आपका, तो दिस वाज योर इक्वेशन नंबर ये था आपका ई एस अपॉन क्या था बोलो ई पी दैट वाज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी दैट वाज इक्वल टू की एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है सेकेंडरी में वो ज़्यादा होती है किससे, प्राइमरी से, ग्रेटर दैन, ठीक है। तो ये चीज़ इससे बड़ी होगी ऊपर वाली, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी उसके लिए, ग्रेटर दैन वन। और स्टेप डाउन में क्या होगा, सेकेंडरी में टर्न्स कम होती हैं प्राइमरी से, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन वन, ठीक है। तो याद रखेंगे ये इन्फॉर्मेशन अलग से याद रखनी है आपने, ठीक है जी। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि पावर के बारे में बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस जो करंट है वो आई एस है सेकेंडरी कॉइल में किसी टाइम पे, प्राइमरी में कितना है आई पी है, ठीक है। सो इनपुट इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, पावर में बताना था सिंपली वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, सो इनपुट इंस्टेंटेनियस पावर, तो इनपुट इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी पी आई बोल देते हैं, कितना आपने
इनपुट वोल्टेज थी ई पी और करंट कितना सपोज किया आई पी इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस इनपुट वोल्टेज कितना था ई पी, इंस्टेंटेनियस कितना सपोज किया आपने करंट, ये जो लिखा है प्राइमरी कॉइल में। सो इनपुट और ये आउटपुट में कितनी मिलेगी सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस, तो आउटपुट इंस्टेंटेनियस पावर पी आउट बोल देते हैं पी ओ, सो ये आ जाएगी सेकेंडरी की बात हो रही है, सेकेंडरी में आएगा आउटपुट, तो यस आई यस ठीक है। अच्छा यदि कोई पावर लॉस नहीं हुआ अंडर आइडियल कंडीशन, जितना इनपुट पावर थी उतनी आउटपुट है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो पी नॉट इज इक्वल टू अंडर आइडियल कंडीशन, पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आई, तो इक्वल करते हैं। ये देखिए जब इक्वल कर दिया तो ई एस आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई पी आई पी, समझे बात को। और फिर यहाँ से आप ई एस अपॉन क्या बोला मैंने निकालने को ई पी, वो उलट हो जाएगा यहाँ से ये आई पी अपॉन आई एस, ये देखो यदि एस ऊपर आया तो करंट में एस नीचे आया, तो मतलब वोल्टेज इन्वर्सली है करंट के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं फोर, और इस फोर को फिर थ्री के साथ कंबाइन कर दो, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये देखो ई एस अपॉन ई पी यूजिंग फोर इन थ्री आई पी अपॉन आई एस, टर्न्स के साथ डायरेक्ट एस है तो यहाँ भी क्या है देखो एस, ठीक है पी है तो यहाँ भी क्या है देखो पी, लेकिन करंट के साथ इन्वर्सली है एस, ई एस यहाँ है तो जो सेकेंडरी वाला करंट है वो कहाँ है नीचे, इसका मतलब जो ये वोल्टेज है वो करंट के इन्वर्सली वेरी कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो ये होता है फॉर सेम पावर ट्रांसफर, मैंने बताया था सामने है ये सेम करें यहाँ एस ए एम ई सेम, सेम मीन्स कॉन्स्टेंट, फॉर सेम पावर ट्रांसफर यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट को क्या होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा, समझाया। एफिशिएंसी सिंपल होती है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर्स, ठीक है, सो इज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर्स, नीटा इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन, ठीक है। सो पी आउट आपको क्या बताया था ई एस आउटपुट में मिलेगा, सेकेंडरी कॉल में मिलेगा आउटपुट, और इनपुट कहाँ होगा इनपुट पावर होगी यहाँ पे ई पी आई पी, पी बोला तो प्राइमरी एस बोला तो सेकेंडरी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखिए। और ये जो एफिशिएंसी है आइडियल कंडीशन में एफिशिएंसी 100% होता है, लेकिन ये एफिशिएंसी हमेशा जो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी है बेसिकली वो हमेशा लेस देन 100% होती है, और कैसे लेस देन 1 होती है, और इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 90 to 99%, एफिशिएंसी इज नेवर 100%, इज ऑलवेज लेस देन 100%, 100% मीन्स 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, व्हाई, इट इज ड्यू टू सम एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है बिकॉज इट इज ड्यू टू सम एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। तो एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें आपने एनर्जी लॉसेज बिल्कुल याद रखने हैं, पहला एनर्जी लॉस आ जाएगा ये एम, दूसरा आ जाएगा कैसे याद रखेंगे एम सी आई डबल एच, पाँच है ये, ठीक है। सो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की 100% से हमेशा लेस होती है, क्वेश्चन है व्हाई, दिस इज ड्यू टू सम एनर्जी लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेज किस किस रूप में हो सकते हैं, पहला है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, दूसरा है कॉपर लॉस, तीसरा है आयरन लॉस, चौथा है हिस्टेरेसिस लॉस, पांचवा है हमिंग लॉस, ठीक है ये है। तो इसमें ध्यान सुनेंगे अब मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस में क्या होगा, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस में क्या होगा कि जो प्राइमरी कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक्ड है वो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सेकेंडरी के साथ जाके लिंक हो जाए, सो देर इज ऑलवेज सम मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, उसको बोलते हैं हम होल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल मे नॉट पास थ्रू सेकेंडरी, मींस कौन सा लॉस आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। दूसरा है कॉपर लॉस, ठीक है मैंने बताया कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपकी जी कॉपर वायर थी जो टर्न्स हमने लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर की वायर को लेमिनेट करा था लपेटी हुई थी, जो टर्न्स थी वो किस वायर की थी कॉपर की, सो कॉपर वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, यदि उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस है तो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा ये टाइम टी में, ये दिस मच एनर्जी आई स्क्वायर आर टी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्यों ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। दूसरा आ गया, तीसरा क्या बताया आयरन लॉस,
आयरन लॉस में क्या होगा, मैंने बताया कि कोर को लैमिनेट करते हैं, सॉलिड कोर नहीं लेते, दैट द सॉलिड कोर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसीस, उन पीसीस को वार्निश किया जाता है और फिर उनको ज्वाइन किया जाता है, तो वो बन गया लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। लेकिन लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर करने के बावजूद भी क्या होता है कि जो एडिकेटर्स वो जीरो थोड़ी हो जाते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर सम एडिकेटर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो आ गया आयरन लॉस। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर सम एडिकेटर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हिस्टेरेसिस लॉस नेक्स्ट। हिस्टेरेसिस लॉस में आपको पढ़ाया, हिस्टेरेसिस लूप आपने पढ़ाया है कि वो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, सो व्हेन आयरन अंडरगोज साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन देन सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। मैंने बताया था कि आयरन के लिए लूप जो होता है वो ऐसे होता है, हिस्टेरेसिस लूप पतला होता है, स्टील के लिए वो वाइडर होता है, बताया था वाइडर लूप होता है ये। सो जितना लूप का एरिया होगा उतना एनर्जी लॉस होगा। तो इस केस में आयरन है, आयरन के ऊपर आपने प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल को बॉन्ड करा है, लेकिन ये लूप नैरो है इसका, हिस्टेरेसिस लूप, लेकिन फिर भी एनर्जी लॉस तो है ही। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं उसको। ठीक है, सो व्हेन आयरन अंडरगोज साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट है हमिंग लॉस। जैसे प्राइमरी कॉइल में आप करंट भेजेंगे तो वो प्राइमरी कॉइल वाइब्रेट करना शुरू करती है, उसमें की साउंड आती है। ठीक है, उस साउंड को बोलते हैं हमिंग। देयरफॉर सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी, साउंड एनर्जी। ये होता है आपका हमिंग लॉस। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर कि उसमें एनर्जी लॉसेज क्या हैं। तो ये एनर्जी लॉसेज मैंने आपको बता दिए, ये हैं पांच, ये इनमें दो दो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसमें। सो ये आगे देखो, नेक्स्ट ये अभी बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट यदि हम चलें, ये ठीक है, बात कर रहा था कि जो आपका नीटा होता है, एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की, जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, वो लेस देन क्या होती है, वन होती है। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, दिस इज ड्यू टू सम एनर्जी लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो उसमें मैंने आपको अभी भी समझाए वो लॉसेज पांच। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। ठीक है, दिस एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, होल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल मे नॉट पास थ्रू सेकेंडरी कॉइल। जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड है वो जरूरी नहीं है कि उस सेकेंडरी कॉइल से पास हो जाए, कुछ लॉस हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं वो लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। ठीक है, मैंने बताया कि प्राइमरी कॉइल किससे बनी होती है, कौन सी वायर होती है, जैसे वो लपेटे लगाए होते हैं कॉपर, कॉपर का क्या होता है अपना रेजिस्टेंस। सो जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वेयर आर टी लिखा है, ये आई स्क्वेयर आर टी, दिस मच एनर्जी जूल हीटिंग इफेक्ट है, ये इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉपर वायर का रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तीसरा है आयरन लॉस। आयरन लॉस में क्या बताया था मैंने, सिंपल मैंने बताया कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वायर को, कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को बॉन्ड करा होता है, तो लैमिनेट करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है एडिकरेंट्स जीरो हो जाते हैं, सम एडिकरेंट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हिस्टेरेसिस लॉस में मैंने बताया था कि आयरन के लिए जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, और स्टील के लिए क्या होता है, वो वाइडर होता है, बताया था, याद करो। ठीक है, तो ये जो लूप का एरिया होता है, एनर्जी लॉस पर साइकिल जो होता है वो एरिया के इक्वल होता है, तो एनर्जी लॉस इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें कम है, लेकिन है तो है ना।
So some energy is lost in the form of heat when iron undergoes cycle of magnetization and demagnetization. This is loop. इस लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है. हमिंग लॉस व्हेन करंट फ्लोज इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है. तो प्राइमरी कॉइल जब करंट फ्लो करेगा तो कोर वाइब्रेशन वाइब्रेट करता है कोर और साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं हमिंग. हमिंग होता है जैसे मधुमक्खियों वाली साउंड जो होती है उसको बोलते हैं हमिंग, ठीक है. जैसे करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो करेगा तो वो जो आपका कोर है वो वाइब्रेट करेगा. वाइब्रेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी, इसको बोलते हैं हमिंग. देखो सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी, ठीक है. सो आगे बढ़ेंगे तो हम आपको थोड़ा सा एक एनिमेशन दिखाएंगे ट्रांसफॉर्मर का. सो दिस इज योर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर में ये देखिए, दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल में इनपुट एसी देंगे और इस सेकेंडरी कॉइल को लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे और आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज कनेक्टेड टू एसी इनपुट वोल्टेज एंड सेकेंडरी कॉइल दिस इज कनेक्टेड टू लोअर रेजिस्टेंस, ओके. सो ये है प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी, ठीक है. दो तरह का ट्रांसफॉर्मर बताया था मैंने, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन. तो स्टेप डाउन में सेकेंडरी में टर्न्स कम होंगे, देखो कम है और यहाँ क्या अच्छा आता है. तो स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी और प्राइमरी में ज़्यादा होंगी. दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. और स्टेप अप में उलट है, स्टेप अप में उलट है. स्टेप अप में क्या होगा ये देखिए, स्टेप अप में अब आपको दिखाएंगे ये. सो ये स्टेप अप आ गया, चेक इट, ये देखिए. तो स्टेप अप में यहाँ ज़्यादा होंगी सेकेंडरी में टर्न्स और प्राइमरी में कम होंगी, ठीक है. सो बाकी ये आपको पता है वर्किंग में क्या होगा. इनपुट एसी जब चेंजिंग करंट इस कॉइल में फ्लो करेगा, मोनाडिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, मोनाडिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेस एंड ड्यू टू दैट चेंज इन मोनाडिक फ्लक्स इंड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी, ओके. सो this is showing change in magnetic flux, change in magnetic flux in secondary coil and then due to that change in magnetic flux in secondary coil induced image produced in the secondary coil, okay. So यदि आपको पता है कि secondary में voltage आपको कम मिले, उसको बोलते हैं step down, ठीक है. primary में ज़्यादा होगी और यहाँ क्या मिलेगी, कम मिलेगी, तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर step down. step up में क्या होता है, step up में उलट होता है, ठीक है. सो ये देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें 20 टर्न्स हैं और इसमें कम है, इसमें 120 वोल्टेज दी, यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगी. 20 पॉइंट 10 कितना होता है, 10, ठीक है. मतलब 20 का हाफ हो गया तो वोल्टेज भी 120 का हाफ हो जाएगी, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 60 वोल्ट, ठीक है. सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना होगा, यदि प्राइमरी में टर्न्स 20 हैं सेकेंडरी में 10 हैं, ठीक है. टर्न रेशो करो 20 पॉइंट 10 टू, तो 120 पॉइंट कितना करें कि 2 आ जाए 60, मतलब 20 का हाफ हो गया 10, तो 120 का हाफ क्या होगा 60. तो 60 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज होगी इस केस में, कितनी वोल्ट होगी 60 वोल्ट, ओके ओके मैन. सो जो आपका नेक्स्ट है वो है एसी जनरेटर, ठीक है. तो एसी जनरेटर सिंपली इट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो मैकेनिकल एनर्जी होगी इसमें कन्वर्ट करे हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है. इसका प्रिंसिपल वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, क्या प्रोड्यूस होता है सर्किट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हैंस क्या प्रोड्यूस होगा भाई, इंड्यूस्ड करंट, ओके. सो इसकी एक एनिमेशन दिखाते हैं आपको. सो मैं बात कर रहा था कि एसी जनरेटर, सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, ओके. सो एसी जनरेटर करता क्या है, मैंने बताया कि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है. और इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट या कॉइल चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ओके. सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, सो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है. दिस इज योर कॉइल, दिस इज मैग्नेट, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है. जब इस कॉइल को आप या इस मैग्नेट को आप, एंड देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस कॉइल एंड मैग्नेट, यू नो इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, यू कैन सी इट. ये देखिए, व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, मैग्नेट एंड कॉइल, यू विल गेट इंड्यूस्ड करंट. पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन, इसमें एक आर्मेचर होता है, देखिए अभी दिस इज आर्मेचर, दिस इज सिंपली रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल है,
ठीक है, कॉपर की वायर, इसके ऊपर इंसुलेटर कॉपर वायर बॉन्ड करी होती है, एंड ये सारा का सारा जो है वो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर करा होता है। शाफ्ट है, शाफ्ट से इसको घुमाते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ शाफ्ट से जैसे इसको घुमा के दिखा रहे हैं, ठीक है। सो फिर आएगा इसमें तीसरा जो पार्ट है इसका, वो फील्ड मैग्नेट। ये देखो नॉर्थ पोल है इधर मैग्नेट का, और इधर कौन सा पोल है भाई, साउथ पोल है, ठीक है। उसका स्लिप रिंग्स आ गए S1 S2, ठीक है, एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू S1 एंड S2। देन मेटेलिक ब्रशिज आ गए B1 B2, देखिए ब्रश B1, दिस इज B2, और फिर वहाँ पे दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टू लोड, लोड की जगह गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है आपका, ठीक है। सो वर्किंग, वर्किंग मैंने बता दिया कि सिंपल, व्हेन दिस कॉइल रोटेट्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एनसीएस की तरफ है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, जब ये रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस कंटिन्यूसली, एंड ड्यू टू दैट इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस गैल्वेनोमीटर, और इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस्ड, ओके। अब नेक्स्ट है कि जो आपका डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट का वो कैसे दिया जाता है, उसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डायरेक्शन के लिए। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इसके बारे में सीखेंगे। सो डायरेक्शन के लिए सपोज करिए इसका जो प्लेन है शुरू में वो वर्टिकल है, देखिए बिल्कुल ऐसे AB आर्म अप है, CD डाउन है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस कॉइल के साथ, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगी, बी और ए में एंगल जीरो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा φ = BA, नो इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये चली फर्स्ट आवर रोटेशन, देखो 90 डिग्री घूम गई ये, और ये 90 और घूम गई, इसमें क्या हुआ, AB आर्म नीचे गई और CD ऊपर आई, ऐसे हो रहा देखो, ठीक है। ये देखो AB आर्म इज मूविंग डाउन, सीरीज मूविंग अप। सो डायरेक्शन देने के लिए आपका राइट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का, ठीक है। सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन जो करंट की पाई जाएगी वो DCBA, डी से सी फिर बी फिर ए, ठीक है, ये आ जाएगी DCBA। सो पहले हाफ ऑफ रोटेशन में जो करंट की डायरेक्शन है वो DCBA आई, और यहाँ पे करंट B1 से B2 की तरफ फ्लो कर रहा, ब्रश B1 से गैल्वेनोमीटर में और फिर B2 में फ्लो कर रहा, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी, ये देखिए। सो जब ये बिल्कुल वर्टिकल था इसका प्लेन, तो इंड्यूस्ड EMF जीरो, मैंने बोला मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल लिंक विद द कॉइल, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे यदि हम ग्राफ बनाएंगे, नो चेंज इन मैग्नेटिक, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा जब वर्टिकल पोजीशन में होगी, तो इंड्यूस EMF क्या आ जाएगा, देखिए इंड्यूस EMF इधर को उधर को टाइम, ठीक है। मान लो एक चक्कर के लिए टोटल टाइम टी है एक रोटेशन के लिए, सो ये देखो शुरू में 90 डिग्री तक रोटेट करेगी, ये देखो 90 डिग्री रोटेट, इंड्यूस EMF विल इंक्रीज, ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा इसका प्लेन, ये देखो हॉरिजॉन्टल आ गया प्लेन, सो इंड्यूस EMF मैक्सिमम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, तो इंड्यूस EMF भी मैक्सिमम हो गई, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड, टाइम रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, तो इंड्यूस EMF भी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। 90 डिग्री फिर रोटेट करना शुरू करिए, देखो 90 to 80 नाउ, टाइम T/4 to T/2, ठीक है, इंड्यूस EMF स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एंड जब हाफ साइकिल हुआ, सो इसका प्लेन वर्टिकल हो गया, और वर्टिकल प्लेन में मैंने बताया था कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, नो इंड्यूस EMF, नाउ इंड्यूस EMF 180 से 270 की तरफ जा रही है, अब देखिए तो इंड्यूस EMF विल स्टार्ट नाउ इंक्रीजिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। देन एट 270 डिग्री इट बिकम्स मैक्सिमम, फिर ये हॉरिजॉन्टल बन गई, ठीक है। मैक्सिमम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो मैक्सिमम इंड्यूस EMF होगा यहाँ, 270 डिग्री हो गया, टाइम हो गया 3T/4, देन लास्ट 270 to 360 डिग्री, ये देखिए इंड्यूस EMF इंक्रीज करना शुरू करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एक जैसे ही पूरा साइकिल हो गया, फिर ये प्लेन इसका वर्टिकल हो गया, मीन अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, इंड्यूस EMF जीरो हो गया, ठीक है। सो ये था आपका, सो मैं बात कर रहा था कि AC जनरेटर जो आपने अभी एनिमेशन देखी, आप थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको। सो मैंने बताया कि AC जनरेटर बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो
वट इज़ ए सी जनरेटर, ये मैंने बता दिया, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने सिंपल बार बार चीज़ बताई है कि वो क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड हैंस इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट या क्वाइल, ठीक है। सो यदि हम नेक्स्ट बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। सो ये आगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में अभी आपको मैं एनिमेशन में भी दिखाया कि इसके मेन पार्ट्स में क्या क्या होता है, इट्स मेन पार्ट्स आर। सो ये हैं इसके मेन पार्ट्स, पहला है आपका आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ठीक है। आर्मेचर मैंने अभी दिखाया था आपको, ए बी सी डी, इट इज रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो लपेटी होती है किसके ऊपर, वो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा होता है, बॉन्ड करा होता है। और मैग्नेट देखा था आपने, वो कॉनकेव शेप का नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। कॉइल इज प्लेस उसके बीच में, फिर सिमेट्रिकली इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर क्या था साउथ पोल, और बीच में क्या रखी थी, एक कॉइल रखी थी ऐसे, देखा होगा आपने ऐसे, ठीक है। सो ये नॉर्थ पोल था और ये क्या था साउथ पोल। द कॉइल इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन पोल पीसीज नॉर्थ एंड क्या आगे साउथ ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। और वो कॉनकेव शेप के होते हैं, देखो ये कॉनकेव शेप है, ये अवतल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो कॉइल के एंड्स हैं वो स्लिप रिंग्स को कनेक्ट करे होते हैं, एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू स्लिप रिंग्स, एस वन और एस टू दिखाए थे वहाँ पे, चलो यहाँ आर वन आर टू लिख दिया। सो रिंग्स देखे थे आपने, वो ऐसे सर्कुलर से रिंग्स देखे थे ना, हाँ। लेकिन इसमें एक ध्यान रखें कि एक एंड कॉइल का, जैसे ये है आपकी कॉइल, ये है कॉइल, ये दिख रही है आपको, इसका एक एंड यदि आर वन को दे दिया तो दूसरा एंड आपने आर टू को देना है, ये रखें ध्यान, उसमें देखा भी है, ध्यान से देखें आप, तो वहाँ एक एंड आर वन को कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड आर टू। फिर मेटेलिक ब्रशीज हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो रिंग्स आर वन और आर टू उनको टच कर रहे होते हैं, जब कॉयल रोटेट करेगी तो रिंग्स भी कॉयल के साथ ही रोटेट करते हैं, लेकिन मेटेलिक ब्रशीज होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। सो वो क्या, सिंपली जो कॉयल में करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट, वो रिंग में जाएगा, रिंग से फिर मेटेलिक ब्रशीज के थ्रू वो बाहर लो रेजिस्टेंस में जाएगा, ठीक है। सो आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड विद फ्लेक्सिबल मेटेलिक ब्रशीज, ठीक है। बी वन बी टू क्या करते हैं, कनेक्टेड विद फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड कर लें यहाँ एक वर्ड, फिक्स्ड मेटेलिक ब्रशीज हैं ये, ठीक है। बी वन बी टू क्या करते हैं, दे टेक करंट फ्रॉम कॉयल टू लोड रेजिस्टेंस जो आउटपुट में लगा है, ठीक है। सो ये थी कंस्ट्रक्शन, क्या क्या बताया इसमें, चार चीज़ें बता दी, ये देखिए, ठीक है, आर्मेचर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्लिप रिंग्स एंड मेटेलिक ब्रशीज। फिर ये इसकी वर्किंग जो अभी आपको घूमती हुई दिखाई थी ना मैंने, वो तो ये है वर्किंग आप, ठीक है। इस वर्किंग में ध्यान से देखेंगे कि ये है पहले हाफ इसका रोटेशन का, ये फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो वर्किंग के लिए ये देखिए वर्किंग ध्यान से, ठीक है। सो वर्किंग में आपने बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डायग्राम गलत नहीं बनाना है, ठीक है। डायग्राम ठीक बनाइए फिर दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम बच्चे इसका डायग्राम गलत बनाते हैं, गलत ना बनाएं, समझें ज़रा ध्यान से। सो ये जो वर्किंग है इसमें नीचे में बीच में एक लाइन लगी है, देखिए ये लाइन है, ये इधर को जो है मतलब वन ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, मतलब ज़ीरो टू जब ये रोटेट हुई तो ज़ीरो टू आधा चक्कर कितने डिग्री तक लगता है 180, और इधर जो है सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन तो इधर जो है बेसिकली 180 से कहाँ चली गई, फिर ये 360 और एक चक्कर पूरा हो गया, समझे बात मेरी। सो ये ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन है इधर वाला फिगर, और इधर वाला जो है वो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन और ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो यदि हम बात करें वर्किंग की, तो मैंने अभी थोड़ा एनिमेशन में भी दिखाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको बेसिकली होना क्या है, ठीक है। सो ये है फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में, ठीक है। सपोज करिए शुरू में इसका प्लेन जो था वो वर्टिकल है, कैसा है प्लेन, वर्टिकल, फिगर में दिखाया था मैंने, वर्टिकल का मतलब ऐसे है, देखो ये हाथ ऐसे ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये जो ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर ये ए बी आर में, और नीचे कौन है सी डी, ठीक है, ये देखो ए बी और ए सी डी, ठीक है। सो ये शुरू में मानेंगे कि टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो इसका प्लेन है बेसिकली शुरू में वो वर्टिकल है कॉइल का। सो वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, फिर वर्टिकल प्लेन है, देखिए ज़रा इधर देखिए, तो
वर्टिकल प्लेन में तो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, एरिया वेक्टर हमेशा कॉयल के प्लेन, एक मेरा हाथ मान लो कॉयल है, तो ये देखिए ये जो पेन दिख रहा है ना आपको, ये है कॉयल, ये वर्टिकल है इसका प्लेन और ये पेन जो है ये एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस सर्फेस के, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस पेन की डायरेक्शन में ही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये देखिए इधर। सो मतलब पेन पे ये मैग्नेटिक फील्ड भी, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल हो गया, जीरो। तो जब एंगल जीरो होता है तो आपको पता है फ्लक्स लिंक्ड कितना हो गया, बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो तो मान होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा कॉयल के, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन्स इसमें से गुजरेंगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू हो जाएगी बी ए, कॉस जीरो वन होता है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल पास थ्रू द कॉयल एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंड इट्स प्लेन इज वर्टिकल। अब मैक्सिमम फ्लक्स है उसकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज हो, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे सॉरी टी इज इक्वल टू जीरो पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज मैक्सिमम एंड हैंस नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, बिकॉज फ्लक्स मैक्सिमम है वो चेंज थोड़ी हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है अब घूमना शुरू कर दिया इसने, ठीक है, तो घूमने के लिए पहला चक्कर ले लेते हैं, तो पहले चक्कर में ये चलेगी कहाँ से कहाँ चलेगी बताओ, ये चलेगी टी इज इक्वल टू जीरो टू 180 डिग्री ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, ये टी इज इक्वल टू जीरो टू 180 डिग्री, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, अब मैंने ये देखो ऐसे बताया था ना, तो इसमें ऊपर है आर्म ए बी, ये तो ए बी आर्म अब नीचे को जाएगा, दिखाया था मैंने एनिमेशन में भी, देखो ये अंगूठा नीचे को आ रहा है देखो, और सी डी आर्म ये छोटी उंगली है ये ऊपर को जा रही है, तो इस हाफ ऑफ रोटेशन में क्या होगा, जो आर्म ए बी है ये वाली, ये जो दिख रही है आपको ए बी, ये ऊपर थी ना पहले वर्टिकल थी, तो आर्म ए बी अप थी, ठीक है, ये ऊपर थी और सी डी कहाँ थी, नीचे थी, ठीक है, ऐसे ए बी ये थी और सी डी नीचे थी, तो जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगी तो ए बी आर्म नीचे को जाएगी और सी डी ऊपर को आएगी, ठीक है, तो ए बी मूव्स अप एंड सी डी मूव्स डाउन। अब क्या हुआ देखो, अब फील्ड तो वैसे रह गई लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो चेंज हुआ, देखो जब कॉयल घूमेंगी तो ये पेन भी साथ में जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो थीटा चेंज हुआ, थीटा चेंजेस, थीटा के चेंज होने से क्या चेंज हुआ, देखो जो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा चेंज हुआ इसमें तो फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा कॉयल में, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पाएगी डी सी बी ए, ठीक है। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर रूल भी बोलते हैं उसको, और उसमें जो डायरेक्शन दी जाती है, जो फोर फिंगर है आपकी, फोर फिंगर ये देती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, और मिडल फिंगर जो देती है वो देती है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और जो आपकी थंब है, थंब देगा मोशन ऑफ कंडक्टर, जैसे एक आर्म के ऊपर लगाना है आपने मोशन का देगा डायरेक्शन, मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज फ्लेमिंग्स क्या राइट हैंड रूल, आपने ऐसे करना है तीनों को, ये देखिए ठीक है, ये है राइट हैंड, ये तो इसमें जो आपकी उंगली है ये फोर फिंगर जो थंब के साथ होती है, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, और थंब किसकी डायरेक्शन देगा मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर आपने ए बी आर्म ले लेनी है सी डी उसके ऊपर लगानी है, एट ए टाइम आपने एक पे लगानी, ए बी पे लगा लो तो दूसरे केस में भी ए बी पे लगानी, ए बी आर्म पे लगाएंगे तो दूसरे में भी ए बी आर्म पे लगाएंगे, वो मोशन देखना मोशन क्या हो गया, तो ऊपर होगी या नीचे होगी, तो थंब आपने ऊपर या नीचे की तरफ कर देना, ऊपर कर देना ऐसे या नीचे की तरफ कर देना, फिर आपने देखना कि ये जो फोर फिंगर सॉरी ये जो मिडल फिंगर है ये किस तरफ गई, वो होगा इंड्यूस करंट, तो मिडल फिंगर इस केस में आपको पाई जाएगी डी से सी की तरफ ऐसे, तो इस आर्म में पता लग गया करंट डी सी, फिर ऐसे चलेगा करंट ऐसे, ठीक है, तो डी सी बी ए, यदि आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो आएगी वो आएगी अलॉन्ग डी सी बी ए, ठीक है, क्या आएगी अलॉन्ग डी सी बी ए, तो ये रखें ध्यान, ठीक है। सो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन देखते हैं क्या होगा, सो फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में जो फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन है आपका, उसमें जो डायरेक्शन पाएगी करंट की वो मैंने बताया आपको, वो पाएगी डी सी बी ए, ठीक है, डी सी, ये देखो जैसे कर्सर चल रहा है डी सी बी ए, ठीक है,
और मैंने आपको फ्लेमिंग्स कौन सा रूल बताया था, वो राइट हैंड रूल, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था मैंने कि जो आपका फोर फिंगर है वो देगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और थंब देगा आपकी डायरेक्शन मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ आर्म हो जाएगी, आर्म या तो ए बी ले लेनी है, सी डी ले लेनी है, ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर। और जो तीसरी है आपकी मिडल फिंगर, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, जो चाहिए हमें क्या, इंड्यूस्ड करंट। ये होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इंड्यूस्ड करंट, ओके। ठीक है, सो यदि इस रूल को लगाएं तो मैंने बोला एक आर्म के ऊपर ही लगाना है, जैसे ए बी आर्म के ऊपर लगाएंगे ना आप यहाँ पे, तो जब आप सेकंड आवर रोटेशन की बात करेंगे फिर ए बी के ऊपर ही लगाना है। सो पहले जब ए बी के ऊपर लगाएंगे विल फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी इस आर्म में या उस आर्म में, ए बी पे लगाएंगे तो बी से ए की तरफ आएगी, यदि बी से करंट ए की तरफ आ रहा है तो फिर इधर से आया होगा ना, तो करंट ओवरऑल कॉइल में होगी डी सी बी ए, ठीक है। ये रखेंगे ध्यान कि यदि, सो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन हमने बोला कि थीटा चेंज हुआ, थीटा के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देनी है, राइट हैंड रूल से देनी है, तो डायरेक्शन किस तरफ पाई गई, यस डी सी बी ए, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखें, डी सी बी ए में जैसे करंट चलेगा जैसे जैसे कर्सर चल रहा है, ध्यान लगाएं ये। अब मैंने बोला कि ये जो आपकी एक एंड है कॉइल का, ये रिंग आर वन को कनेक्टेड है, और ये जो दूसरा एंड है दूसरा, ये इसको कनेक्टेड नहीं है, तब ये डॉटेड बनाया है यहाँ पे, देखो डॉट डॉट लगाए हैं यहाँ पे, ध्यान लगाएं, ठीक है, डॉट डॉट लगाए हैं बीच में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ डॉटेड बनाना है ये, ठीक है। सो यहाँ से यदि ये डॉटेड बनेगा तो ये डॉटेड बनाए इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये वाला एंड जो है ये कनेक्टेड है आपके रिंग आर टू को यहाँ, ठीक है, समझे बात मेरी। ये वाला एंड कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ, ठीक है। ये वाली जो वायर है पीछे से जा रही है इस रिंग के, यहाँ नहीं कनेक्टेड है ये, कि आर टू को कनेक्टेड है, ठीक है। सो बताओ करंट कैसे चलेगा, डी सी ऐसे चला, देखो ये ऐसे 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 आ गया यहाँ, अब यहाँ से करंट इधर आएगा इस रिंग में होते हुए इधर को जाएगा करंट ऐसे, क्योंकि ये तो कनेक्टेड नहीं है, वायर कहाँ कनेक्टेड है, ये तो पीछे से निकल रही है इस रिंग की, ये तो यहाँ कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ से होता हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये देखो इधर को करंट चला। रेजिस्टेंस जो लगा है बाहर, ये आर है, लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको आर, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आई लेफ्ट से राइट, तो ये देखो करंट फिर ऐसे यहाँ आएगा, फिर आएगा रिंग आर टू में, ऐसे रिंग आर टू में आने के बाद फिर आएगा ये ऊपर को ऐसे, अब ये बैक से निकल रही है वायर, फिर यहाँ पहुँचेगा ऊपर आके यहाँ, और फिर यहाँ नहीं पहुँच जाएगा, हो गया, डी से चला था वापस डी पे लाना है। ओ लगा पता ऐसे 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 रिंग आर वन में जाने के बाद इधर आ जाएगा ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे, और फिर रिंग आर टू में आ जाएगा। ये वायर मैंने बोला यहाँ से नहीं निकल रही है, पीछे से निकल रही है, इसलिए यहाँ डॉटेड बनानी है ये, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन डी सी बी ए, और रेजिस्टेंस में यदि लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन देखी जाए तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड, तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है। सो ये तो दिस इज फ्लेमिंग, कौन सा रूल बताया था ये, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कैसे लिखेंगे, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ, स्ट्रेच द क्या क्या, स्ट्रेच द फोर फिंगर थंब एंड मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb gives the direction of motion of conductor, then middle finger will give the direction of induced current. This is Fleming's right hand rule, और इसको बोलते हैं generator rule, और क्या बोलते हैं इसको, generator rule, ये रखना याद, ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं during second half of rotation, so यदि हम second half of rotation की बात करें तो जो second half of rotation है basically ये सेकेंड हाफ में आप देखेंगे बड़े ध्यान से, तो सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन में जो आपका ये देखिए, ठीक है, सेकेंड हाफ रोटेशन में क्या होगा, फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्या था, ए बी आर्म ऊपर थी, अब कौन सी आर्म ऊपर आ चुकी है, सी डी, एक चक्कर आधा चक्कर लग चुका है, देखो ना ऐसे ऐसे था ये, तो ये देखो 90 डिग्री, और फिर ये, तो ये ऊपर वाली छोटी उंगली ये थी सी डी ना, तो सी डी आर्म अब ऊपर आ चुकी है, अभी फिर घूमेगी, इसका मतलब ए बी पहले कहाँ जा रही थी, नीचे को, ए बी मूविंग डाउन पहले वाले केस में, ठीक है ये, और ए सी डी मूविंग अप, अब उल्ट होगा, सी डी तो ऊपर आ चुकी थी 180 डिग्री के बाद, अब आपका सेकंड हाफ रोटेशन का मतलब 180 डिग्री से 360 डिग्री, और यहाँ मतलब
जीरो से 180 डिग्री, ये वही पहले हाफ ऑफ रोटेशन और ये सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ रोटेशन में उल्ट होने वाला है, सी डी ऊपर आ चुकी है और अब सी डी कहाँ जाएगी, नीचे को, सी डी विल मूव डाउन एंड ए बी जो है वी आर एम विल मूव, हाँ ए बी विल मूव अप नाउ। सो डूइंग सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन आर एम ए बी मूव्स अप एंड सी डी मूव्स डाउन, अगेन थीटा चेंज, थीटा चेंज होगा तो अगेन थीटा चेंज इज मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज इज मीन्स इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्शन इंड्यूस करंट इज गिवन बाय दिस जनरेटर रूल या फिर से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये वाला ठीक है। और फिर वैसे ही डायरेक्शन जो है यू विल फाइंड इसकी डायरेक्शन ऑफ ए, बिकॉज अब 180 डिग्री जब घूम चुकी ना कॉइल, 180 डिग्री का सिचुएशन क्या होगी, ए बी इधर है सी डी इधर थी, तो ए बी अब इधर पहुँच जाएगी देखो और सी डी इधर आ जाएगी। और डायरेक्शन देने के लिए करंट की मैंने बोला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो यू विल फाइंड डायरेक्शन करंट की आएगी ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब इसको देखना जरा यहाँ कैसे जाएगा करंट, ये करंट नीचे आएगा, ये डॉटेड लाइन थी इधर, अब पलटी 180 डिग्री रोटेट होने के बाद ये डॉटेड अब इधर आ गई लेफ्ट साइड पर देखो। अब मैंने बोला ये जो डॉटेड लाइन है ये डॉटेड है यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन है ये इस रिंग को नहीं कनेक्टेड है, ये वायर, ये वायर इस रिंग को नहीं कनेक्टेड है, ये नीचे कनेक्टेड है, तो करंट इस वायर में यहाँ पहुँचा तो करंट इस रिंग में तो जा नहीं सकता बिकॉज ये नीचे को जाएगा उसी तरह से। तो इधर से होते हुए करंट ऐसे ऐसे इधर को और ये ऐसे, तो ये देखो लोड रेजिस्टेंस में अब डायरेक्शन ये लेफ्ट साइड थी इसकी राइट, राइट टू लेफ्ट होगी डायरेक्शन, फिर ऐसे ऐसे जाके करंट इधर को फिर आएगा इस रिंग में और फिर जाएगा यहाँ पे ए सी चला था ए पी वापसी होगी वो लगा बता। सो ये रखें ध्यान कि ये जो करंट नीचे को उतर रहा है ना सी सी डी, ये इस रिंग में नहीं जाएगा बिकॉज ये वायर इससे कनेक्टेड नहीं है, ये वाला एंड कॉइल का इससे कनेक्टेड नहीं है, कहाँ कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड है आर टू को, आर टू है नीचे, यदि कनेक्टेड है ये तो यहाँ जाएगा करंट पहले ऐसे। तो ये ओवरऑल करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में सेकेंड हाफ में कैसे आई, ए बी सी डी, ए से बी फिर सी फिर डी, और इसमें कैसे आई थी डी सी बी ए, मतलब ऐसे बोल दो बाहर जब देखा गया रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और इसमें राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब करंट अपनी डायरेक्शन बदल गया, पहले हाफ में करंट ऐसे दूसरे में ऐसे, इसका मतलब करंट कैसा है अल्टरनेटिंग नेचर का करंट है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे तो होता है पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये लगा पता, सो ये था, तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और डायग्राम ढंग से बनाएंगे ठीक है। और इस डॉटेड का मीनिंग यहाँ ध्यान रखें, ये दो एंड हैं कॉइल के, ये वाले एंड हैं दो कॉइल, ये आ रही है देखो ऊपर से, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला एंड जो है वो रिंग इसको कनेक्टेड है इसको, और ये वाला एंड जो है ये वाला ये इससे बैक से निकल रही है वायर और यहाँ कनेक्टेड है यहाँ रिंग आर टू, ये वाला एंड कहाँ कनेक्टेड है आर वन को और ये वाला एंड कहाँ कनेक्टेड है आर को, समझे ठीक है। इसलिए डॉटेड बनाना है यहाँ बिकॉज इसको कनेक्टेड नहीं है, इसको कनेक्टेड नहीं है, कहाँ कनेक्टेड है ये वाली वायर कहाँ कनेक्टेड है नीचे नीचे, इसलिए डॉटेड बनाना है। और जब 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी वायर तो डॉटेड इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड को, इधर राइट साइड को है देखो, ये चीज़ इधर हो जाएगी और ये इधर हो जाएगी ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि वर्किंग वर्किंग हो गई या बेस की थ्योरी, सो थ्योरी बराबर देख लें। सो सपोज करिए कि जो कॉइल का प्लेन है वो ये है, किसी टाइम पे घूम रही है ना वो, तो सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये बना दिया प्लेन ठीक है। ये ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं ये करता हूँ कि ये ले रखते हैं ठीक है,
ये है आपकी कॉल, ठीक है। सो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा यहाँ से इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड सपोज, ये और एरिया वेक्टर किसी टाइम पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। इधर को एक्स एक्सिस ले लो, ओरिजन आ गया बाई एक्सिस, दिस इज बाई डैश, दिस इज एक्स डैश। सो ये कॉइल, दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। सो अब बड़े ध्यान से थोड़ी सी थ्योरी रह गई उसको देख लें, पहले भी किया हमने ये। सो दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल, किसी टाइम पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला थीटा चेंज हो रहा था, किसी टाइम पे थीटा एंगल है बी और ए में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना। ये लिख देना बी इज मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, ये हमें लिख देना है। सो और एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही थी, ठीक है, एंगुलर स्पीड उसकी ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। सो यहाँ से थीटा हो गया ओमेगा टी, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, ठीक है। वहाँ बनाई हुई थी वहाँ फिगर में, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे इस एक्सिस के बॉडी घूम रही थी, तो ऐसे ओमेगा है वहाँ एंगुलर स्पीड, फिगर में देखा होगा आपने, अभी फिगर बनाया था, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये बॉटल बनाई थी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल किसी टाइम पे, तो फाई आ गया यहाँ से बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन कॉइल इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल इज कितना आएगा भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ, बोलिए जरा, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यदि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है तो एन से यहाँ क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो यहाँ आपका फ्लक्स आ गया एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल, आपने लिख देना है। सो ये आ गया ई, ठीक है। अब इसको करते चाहिए फाई की वैल्यू भरिए यहाँ इक्वेशन वन से, इसको वन बोल दो। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आ गया बिकॉज फ्रॉम वन। तो ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, कॉस की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस एन बी ओमेगा बार आ जाएगा, एक लो लिख दिया ए, हाँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या आ गया यहाँ से, प्लस आ गया। सो ई इज इक्वल टू एन बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया इज इक्वल टू, ये जो सारा है इसको बोल दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और फिर आपको पता ही यही आ गया वो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे तो अभी मैंने उसमें भी दिखाया था कि ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल पूरा हो गया, इधर को टाइम है और यहाँ हाफ साइकिल हो गया टी वाई टू, और यहाँ पूरा टाइम टी, तो यहाँ आपको आपका ई ले लो चाहे आई ले लो, ठीक है, ठीक है। सो ये जीरो आ गया, सो दोनों तरफ है, ऊपर भी है ये नीचे भी है, ठीक है जी। सो ये तो यहाँ जो टाइम होगा बेसिकली ये होगा टी वाई फोर, और यहाँ होगा थ्री टी वाई फोर, और यदि एंगल की बात करनी तो यहाँ 90 डिग्री एंगल, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360, समझे। सो यहाँ से फिर यदि रेजिस्टेंस कॉइल का आर है तो फिर इंड्यूस ईएमएफ तो लग गया पता कितना प्रोड्यूस हुआ, ये दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इफ आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल देन इंड्यूस करंट कितना आ जाएगा, देन इंड्यूस करंट आ जाएगा
आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। सो आ जाएगा ई की वैल्यू पुट करिए जरा टू से, ये वैल्यू आ जाएगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। सो आई इज इक्वल टू, दिस इज आई नॉट, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बॉन्ड रेजिस्टेंस करंट साइन ओमेगा टी। सो ये देखो, ये इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगा, सो इट इज ए साइन कर्व। सो ग्राफ बिटवीन आई एंड टी इज ए इज साइन साइनसोइडल, ठीक है, और इट कैन सी इट इज ए साइन कर्व, ठीक है। सो इट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर बिकॉज ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। सो कैसा करंट प्रोड्यूस किया इसने, करंट का नेचर कैसा हो गया, ऑल्टरनेटिंग। सो ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है कौन से जनरेटर से, ऑल्टरनेटिंग एसी जनरेटर से। सो ऑल्टरनेटिंग करंट मिल गया आपको बिकॉज ये उसकी कौन सी वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। सो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स लिखिए और फिर नंबर टर्न्स यदि एन है तो फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा एन बी कॉस ओमेगा टी, और फिर यहाँ पर इंड्यूस नेट प्रोड्यूस हो जाएगा डी फाइव पॉइंट डी टी, एंड डी फाइव पॉइंट डी टी सिंपली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। और फिर यदि इंड्यूस नेट इतना आ गया इसका ग्राफ बनाइए एंड दिस, ओके। फिर यदि रेजिस्टेंस कॉयल का आर है तो इंड्यूस करंट हो जाएगा ई अपॉन आर एंड दिस। सो ये था आपका, उसके बाद थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं और क्लोज करते हैं फिर, ठीक है। सो ये था आपका ट्रांसफार्मर, जिसमें ये फॉर्मूला आपने बार बार सुना ये, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे ई एस पॉन ई पी, आई पी पॉन आई एस है, और एन एस में डायरेक्ट एन एस पॉन एन पी डायरेक्ट ही है, ठीक है। चार जैसे मान कोई दो यूज़ होंगे, जैसे ये यूज़ कर लिए तीन चीज़ें दी होंगी एक निकालनी है, कभी कभी आपको ये यूज़ करना है तीन चीज़ें दी होंगी एक निकालनी होगी, कभी कभी पहला और लास्ट यूज़ करना है तीन चीज़ें दी होंगी एक निकालनी होगी। यहाँ देखते हैं आप क्या दिया हुआ है। सो 110 वोल्ट के ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया ई पी, ठीक है, इनपुट वोल्टेज मतलब ई पी, ठीक है। और ये आउटपुट वोल्टेज कितनी मिली, 2400 वोल्ट, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। पहले इसमें भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर बताओ, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा दी इसने, तो कौन सा हुआ ये स्टेप अप। स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं सेकेंडरी में वो ज़्यादा होती हैं, तो एन एस इसमें क्या होगा, ग्रेटर दैन एन पी, और एन पी दिया होगा, प्राइमरी में टर्न्स कितनी दी हुई हैं देखो 55, सेकेंडरी में पूछ रहा है ये, सेकेंडरी में टर्न्स आ जाएंगी यहाँ से, देखो दो फॉर्मूला लगा दिया एन एस पॉन एन पी, ये बोल रहा हूँ मैं तीन चीज़ें दी हुई हैं, ई एस भी दिया हुआ, ई पी भी दिया हुआ, एन पी भी दिया हुआ, क्या रहेगा निकालने को, एन एस, तो एन एस निकाला जा सकता है यहाँ से, और सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा आएंगी इसमें, देखो 1200 टर्न्स आ गई, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। एन पी इधर चला गया ना, ये एन पी यहाँ चला गया, देखो यहाँ से इधर बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, पुट करिए। और दूसरे में भी ये पूछा है कि सेकेंडरी कॉयल में टर्न्स कितनी है 500, और प्राइमरी में कितनी है, प्राइमरी कॉयल में टर्न्स 25, 110 वोल्ट पे ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है, मतलब इनपुट वोल्टेज है ई पी है, ई पी, ठीक है। एंड करंट इन सेकेंडरी कॉयल मीन्स आई एस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आई एस, 30 मिली एम्पीयर, तो 30 मिली को लिखना है यहाँ 10^-3, बस यही है फर्क। तो वोल्टेज इन सेकेंडरी निकालो, तीन चीज़ें दी हुई हैं देखो, ये देखो वोल्टेज इन सेकेंडरी यहाँ से निकाल लो, इस ई बी उधर ले जाओ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, पुट करो 22000 वोल्ट आ गया, ई एस आ गया 22000 वोल्ट, ठीक है। और आपसे पूछा है करंट इन प्राइमरी, ठीक है, तो करंट इन प्राइमरी निकालने के लिए आपको ये वाली क्वेश्चन लगा दीजिए, ये वाली, ठीक है। सो यहाँ से आप फिर ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, आई पी निकाल लीजिए, चीज़ इधर चली जाएगी, ये चलेगी, ये देखो आई एस दिया होता 30 मिली एम्पीयर, मिली मीन्स टेंपर माइनस 3, ई एस आपने 22000 निकाला और ई पी 110 था, सॉल्व इट, प्राइमरी में जो करंट है वो आ जाएगा 6 एम्पीयर, ठीक है, ठीक है। और प्राइमरी में देखो ना, प्राइमरी में वोल्टेज कितनी थी, प्राइमरी में वोल्टेज थी ई पी, ई पी कितनी थी 110 वोल्ट, और सेकेंडरी में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आई 22000, कौन सा ट्रांसफार्मर है बोलो, स्टेप अप वोल्टेज इसने बढ़ा दी, 110 से कितनी कर दी 22000, स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, ठीक है। और प्राइमरी में करंट कितना आया आई पी, अभी निकाला 6 एम्पीयर, और सेकेंडरी में करंट कितना था, सेकेंडरी में करंट था आई एस, कितना था 30 मिली एम्पीयर, बहुत कम था, 30 × 10^-3, मैंने बोला था कि जब वोल्टेज कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा, देखो बहुत ज़्यादा है करंट, और जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, देखो कम, बहुत कम है देखो, तो मतलब हाई वोल्टेज लो करंट पे होती है, और लो वोल्टेज क्या होती है, हाई करंट पे, छोटी छोटी बातें हैं।
तो करंट इन कॉयल निकाल लो। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कोई न्यूमेरिकल जो इसमें है क्या। देखो एक इक्वेशन है, उसमें आपको क्या है, 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक निकालनी है, ऐसा ही नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक निकालनी है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ आ बात मेरी। सो यहाँ से फिर इस न्यूमेरिकल को आपने ढंग से करना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें पूछी थी, देखो एक तो ई एस पूछा था ना, और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आई पी पूछा हुआ था, तो ये पूछी हुई थी 2 चीज़ें। तो इक्वेशन फॉर्मूला ही नहीं बोलना आपने बिल्कुल नहीं, क्या होता है बोलेगा, फिर लिख देता हूँ मैं, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। टर्न्स के साथ डायरेक्ट रेशियो है, देखो ई एस होता है यहाँ भी एस सी एन एस है, और करंट के साथ फॉर्मूला है, यहाँ आई पी है तो फिर यहाँ आई एस है, देखो यहाँ पी आ गया, यहाँ क्या था एस, या प्राइमरी वाला करंट आएगा और वोल्टेज सेकेंडरी वाली आएगी, समझे। उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज। डीसी पे थोड़ी चलता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एसी ऑपरेटिंग डिवाइस है, उसके लिए चेंजिंग वोल्टेज चाहिए, चेंजिंग करंट चाहिए, तो डीसी तो स्टडी करंट होता है। डीसी तो ऐसे होता है, देखो ये इधर को यदि करंट की वैल्यू है और ये टाइम के साथ जो है बेसिकली ऐसे चेंज होता है, मतलब स्टडी करंट है, ये चेंजिंग करंट नहीं है डीसी। तो ट्रांसफार्मर के लिए कैसा चाहिए करंट, चेंजिंग करंट चाहिए, वो कौन होता है, एसी, ठीक है। तो एसी इज बेस्ट सूटेड फॉर ट्रांसफार्मर और इट इज़ बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए चेंजिंग करंट चाहिए, उसके लिए कौन सा सूट करेगा, एसी। और स्टडी वोल्टेज कौन होती है, एसी, डीसी, डीसी स्टडी का मतलब फिक्स वैल्यू, स्टडी वोल्टेज कैन नॉट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस सेकेंडरी कॉइल, मतलब डीसी वोल्टेज हम लेंगे तो वो मतलब आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, बिकॉज स्टडी वोल्टेज वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और आगे है कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए इसका हिस्टेरेसिस लूप नैरो हो। तो मैंने कई बार बताया आपको कि नैरो होता है देखो आयरन का, और वाइडर होता है किसका, स्टील का, ठीक है। तो नैरो होने से क्या होगा, कोर ट्रांसफार्मर का बनाना है तो आयरन से बनाते हैं ना, वो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है, तो आयरन से ही बनाते हैं ना, तो उसका लूप क्या होता है, नैरो, उसका एरिया कम होता है, तो क्यों होता है, ऐसा ही पूछ रहे हैं। जब करंट उसमें पास करेंगे तो वो हिस्टीसिस में जाता है, मतलब हिस्टीसिस क्या बोलते हैं, साइक्लोमैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज लॉस्ट। और ये पाया गया है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। सो एनर्जी लॉस आयरन में कम है बिकॉज इसका एरिया कम है, हिस्टीसिस लूप का एरिया क्या होता है, आयरन के लिए कम होता है, इसलिए एनर्जी लॉस भी पर साइकिल क्या होगा, कम होगा। देयरफॉर कौन सा मटेरियल लेंगे ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए, आयरन, कौन सा लेंगे, आयरन, बिकॉज आयरन के लिए लूप का एरिया कम है, हिस्टीसिस लूप आयरन के लिए पतला है, नैरो है। सो व्हेन करंट इज पास थ्रू द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आयरन अंडरगोज साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन मीन्स हिस्टीसिस लूप, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज लॉस्ट, दिस एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टीसिस लूप, फॉर आयरन हिस्टीसिस लूप इज नैरो मीन्स एरिया इज लेस, देयरफॉर एनर्जी लॉस भी क्या होगा, लेस, एनर्जी लॉस पर साइकिल इज सिंपली इक्वल टू एरिया ऑफ द हिस्टीसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टीसिस लूप आयरन के लिए क्या होता है, कम होता है, सो एनर्जी लॉस भी पर साइकिल क्या होगा, कम होगा, इसलिए ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आयरन यूज करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके देन।